अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 55। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड डे। टुडे वी विल डू पंक्चुएशन। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। मतलब इसका मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए जो हम जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो दीज आर कॉल्ड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज़ द सिस्टम ऑफ मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर फॉर द रीडर। एग्जांपल, फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सब इनको हम कहते हैं पंक्चुएशन। नाउ राइट डाउन हेयर। पंक्चुएशन इज़ द सिस्टम, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे आप पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं? फुल स्टॉप। फंक्शन क्या है फुल स्टॉप का? फिनिशेस द सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस फिनिश होता है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जांपल, आई हैव डन माय वर्क, तो लास्ट में हम, ये सेंटेंस कंप्लीट है तो लास्ट में इस पर फुल स्टॉप लगेगा। कोमा, सेपरेट कोमा का फंक्शन, सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। जैसे अली, हामिद, ये दो सेपरेट पार्ट हैं सेंटेंस के। अली एक और नेम है, हामिद एक और, इसलिए इन दोनों के साथ हम कोमा का यूज़ करेंगे। सारा एंड जोहा आर गोइंग समवेयर। ओके, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाएंगे? प्लेस्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा फॉर डायरेक्ट स्पीच आर कोटेशन। जब भी आप कोटेशन देंगे या डायरेक्ट स्पीच, तो उसके साथ भी हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करेंगे। अपोस्ट्रिफ कहाँ लगाएंगे? शोज़ ऑनरशिप। जब भी आप किसी चीज़ को ऑनरशिप देंगे तो लास्ट में हम अपोस्ट्रफी मार्क लगाएंगे। जैसे कि साराज ब्रदर, सारा का ब्रदर, तो इसलिए ये सारा की जो है उसको पोजीशन को शो कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रफी मार्क्स लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं? शोज़ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग। जब भी आप कोई एक्सप्रेशन या फीलिंग शो आप करेंगे तो उसके लिए हम जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रा, या, ये इस तरह के जो वर्ड होंगे उनके साथ हम जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।